ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कांसेप्ट। एंड गाइस इस कांसेप्ट में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस अभी तक आप सभी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, और गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड का डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देन गाइस आप सभी को जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मॉडल का आप जो है मतलब कितना सा हिस्सा आप गाइस अपने एरिया अपना जो हेड का एरिया होगा वो आप रख लेना। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आपको जाना ऐड फोटो में दोबारा, यहां से अभी डन नहीं करना है। तो मैं गाइस पहले अपने इसका थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं, एंड यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से हम डन करते हैं। अब उसके बाद गाइज आपको जो मतलब कि जो आगे फ्रंट पे जो मास्क का पीएनजी लगाना है गाइज पहले हम उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो ऐड बटन में चलते हैं एंड यहाँ से इसको ले लेते हैं। एंड उसके बाद हम इसको क्या करें फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, एंड इसको हम रख देंगे नीचे की साइड में सबसे एंड में। ओके कुछ स्टेप से, एंड उसके बाद हम अपने मॉडल को लेंगे। एंड उसके बाद जो है हम कुछ स्टेप से इसको जूम करके कुछ स्टेप से यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी को कुछ स्टेप से ऐसे कर लेना है। उसके बाद गाइज आप सभी को फिर क्या करना है गाइज आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में। ठीक है, तो दोबारा ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे फिर क्या करना है, सो उसका मैं एक बार टैप करता हूँ। उसके बाद यहाँ से चलता हूँ दोबारा ऐड फोटो में। सो ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ से ब्लैक कलर की पीएनजी दे दूंगा गाइज आपको, सिंपली उसको ऐड करना है। देन गाइज उसके बाद आपको फिर क्या करना है आपको उसको कुछ स्टाइल से फुल स्क्रीन करना है। रिजल्ट में जाना, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, कुछ साइज का कुछ अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड गाइज फोटो को जूम करना है। एंड गाइज उसके बाद आपको कुछ स्टेप से ऐसे यहाँ पे पेंट करना है। ठीक है, तो यानी कि आपको शेडो क्रिएट करनी है कुछ स्टेप से। ठीक है, तो ऐसे कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन रिजल्ट टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके एंड इसको मूव डाउन कर देना है। फिर उसके बाद गाइज आपको उसके ओपोसिटी अपने हिसाब से मैच कर लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फिर क्या करना है आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एकदम परफेक्ट तरीके से डन कर देना है। कुछ भी अब यहाँ पे चेंजेस नहीं करने आपको। ठीक है, डन कर देना है पहले। फिर उसके बाद आपसे को फिर क्या करना मैं बताता हूँ। आपसे गाइज जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आपको पार्टिकल के पीएनजी लेना है। एंड गाइज पहले आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है, स्क्रीन कर देना है। देन गाइज आपको उसको फुल जूम करना है। ठीक है, कुछ स्टेप से इस तरीके से आपको जूम करना है अच्छे तरीके से, एकदम बड़ा कर देना थोड़ा साइज। एंड उसके बाद आपको जाना है रिजल्ट टूल में, जो फेस के ऊपर एरिया आ रहा है ओनली फेस वाला एरिया इरेज कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फिर क्या करना है आपको यहाँ पे सिंपली कुछ स्टेप से इतना साइज रख के एंड इसको यहाँ पे डन कर देना है। ठीक है, तो उसको भी हम डन करते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको फिर क्या करना है आपको जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइज आपको एक फर्स्ट वाला जो ब्लर है आपको उसको सिंपली इस पर लेना है। एंड उसके बाद इसका जो अमाउंट होगा वो अपने हिसाब से रख लेना 5-6 तक। एंड उसको रिजल्ट टूल पे जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश लेना है आपको सिंपली आपके जो हेयर्स हैं आपको उनके ऊपर ऐसे हेयर्स के ऊपर पेंट कर देना गाइज कुछ स्टेप से। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना आपको सिंपली इतना कर देने के बाद आपको डन कर देना है। ठीक है, थोड़ा जो फेस के ऊपर उसको इरेज कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डन कर देना है। फिर गाइज आपको उसके बाद क्या करना है आप सबको गाइज जैसे जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाने के बाद गाइज आपको उसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देना है। रिजल्ट टूल में जाने इसको इन्वर्ट कर देना है। फिर उसके बाद गाइज साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना आप सभी को। एंड उसके बाद गाइज आपको फेस के ऊपर कुछ स्टेप से डोजन बर्न करना है। ठीक है, एंड गाइज इस फोटो में जो है डोजन बर्न करना बहुत जरूरी है गाइज, डोजन बर्न के वजह से फोटो ज़्यादा क्रिएटिव लगेगी। तो इसको इतना करने के बाद आपको ओपोसिटी कुछ रख लेना 8-9 तक। एंड उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट तरीके से डन कर देना है। देन गाइज आपको क्या करना है उसके बाद जाना दोबारा एड फोटो में। एंड गाइज आपको यहाँ से लेना लेंस का पीएनजी। ठीक है, आई लेंस। एंड उसके बाद आपसे फिर करना फोटो को जूम करना है। एंड कुछ स्टेप्स आपको अपने आई के ऊपर रख देना है, इसमें कुछ इरेज करने की जरूरत नहीं, एकदम आई के परफेक्ट तरीके से बना रखा है ये मैंने। ठीक है, तो आपको सिंपली इसका ओपेसिटी जो अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, तो उसको हम कुछ इतना रख लेते हैं एंड ओपेसिटी इतना रख लेते हैं। एंड इसके बाद हम इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड इसका डुप्लीकेट करके हम इसको कुछ स्टेप से इस वाले एरिया पे रख देते हैं, इस वाले आँख पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट है गाइस। तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ओपेसिटी लग रही है तो इतना, हाँ इतना। अब इसकी ओपेसिटी यहाँ पे साइज इतना। एंड उसके बाद इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं दोनों की। ओके सो गाइस यहाँ परफेक्ट है। अब आप सबको यहाँ पे डन कर देना है। देन गाइस आप सबको फिर क्या करना है आप सबको यहाँ से दोबारा जाना है टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाने के बाद आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। ठीक है, अराउंड 7-10 तक कर देना। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। एंड फोटो यहाँ पर सेव कर लेना आप सबको। एंड इसको यहाँ से लेके चलना आपको लाइट रूम में। लाइट रूम में ले जाने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, इसका कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड जो हाईलाइट होगा गाइस इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। ठीक है, हाईलाइट्स को। एंड जो शेडो होगा उसको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड जो व्हाइट होगा इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड जो ब्लैक होगा उसको थोड़ा बढ़ा देना है। जाना कलर्स वाला ऑप्शन है, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है। एंड जाना आप सबको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर करना जाना येलो कलर में, आप सॉरी डार्क ब्लू में। एंड इसका ह्यू चेंज कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। एंड पर्पल कलर में जाकर इसका सैचुरेशन माइनस एंड कर देना है, डन। देन जाना आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा वो डाल देना आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना आप। ठीक है, जितना आप डालना चाहो। देन आपको ग्रेन माउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड नीचे मिलेगा आपको नोइड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। फिर नीचे मिलेगा आपको कलर नोइड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है।
तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस मिलता हूं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।